आज का हमारा टॉपिक है जो हम कि रेलवे के जो काउंटर होते हैं गवर्नमेंट काउंटर, उस पर हम अगर टिकट बनाने जाते हैं तो हम उसका पर्चा कैसे भरते हैं। और प्लीज़ ये वीडियो बिगनर के लिए है जिनको इनके बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे मान लो हम एक तो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उसमें तो सब कुछ फ़ोन से हो जाता है या आपके PC या लैपटॉप से हो जाता है, या फिर हम किसी दुकान के साइबर कैफे पर जाते हैं तो वो सब खुद ही करता है। लेकिन आपको खुद से अगर जाना हो रेलवे काउंटर पे और आपको टिकट बनानी हो कोई सी भी, चाहे AC नॉन AC, तो आपको अगर वो स्लिप भरनी हो तो आप कैसे भरेंगे, पर्चा कैसे भरेंगे। मान लो आप वहाँ तो फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो आपको कुछ अगर जैसे काउंटर वाले से पूछोगे पूछताछ करेंगे तो बता देंगे आपको कि कैसे भरा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको अगर जाने से पहले आपको पहले नॉलेज मिल जाएगी कैसे भरना है तो आपको वहाँ को इतना टाइम नहीं लगेगा भरने में और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। तो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो है मशीन के ऊपर और एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में भी मैं बहुत सारी वीडियो लेता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा और ये वीडियो जो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिले। तो दोस्तों देखिए, यही है आपका ये रेलवे का पर्चा है। ये इसको मैं ये पर्चे को मैं हिंदी में बनाना भरना सिखा रहा हूँ आपको, और नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसमें आपको इंग्लिश में भरना सिखा देंगे। तो देखिए इसमें कुछ आपका क्वेश्चन होता है, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी यदि आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पर टिक कीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर इसलिए टिक करेंगे आप कि मान लीजिए आप किसी कोच में बैठे उसमें किसी मरीज या कोई उसको दिक्कत आएगी तो आपकी हेल्प ले सकते हैं, इसलिए इसके टिक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप गर्भवती यानी प्रेगनेंट लेडीज है तो आप यहाँ पर इस बस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है कि आप वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पे जो है आप टिक कर सकते हैं। उसमें अब ये लिखा हुआ है कि आप कितनी आप छूट चाहते हैं, ये 50% चाहते हैं टिकट पे या 100% चाहते हैं, तो अब इस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो ये विकलांग के लिए जो होता है बॉक्स, उसके लिए मतलब जो होता है उसकी सीट जो चाहती है वो प्रतीक्षा सूची में, उसके लिए टिक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है ये देखिए दुरंतो, देखिए गरीब रथ दुरंतो श्रेणी बातों को साथ, देखिए दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन स्लीपर श्रेणी या ये जो भी है राजधानी में जब टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं इस बॉक्स में, यही होता है। और आप नहीं भी टिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिया रहता है, ठीक है। तो देखिए अब आप आगे चलते हैं आपको फॉर्म के ऊपर कि कैसे आपको भरना है। देखिए तो मान लो यहाँ पर देखिए गाड़ी संख्या और नाम, यानी आपको गाड़ी संख्या भी लिखनी पड़ेगी और उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। देखिए हमने लिखा है 0-40-41 यानी मसूरी एक्सप्रेस है ये, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यात्रा की तारीख यानी जब हमें यहाँ से यात्रा करनी होगी, तो हमें यहाँ से यात्रा करनी है 5 तारीख 12 महीना 2022 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए श्रेणी लिखा हुआ है यानी हम कौन सी श्रेणी में जाना चाहते हैं, ठीक है। AC है मतलब नॉन AC है, स्लीपर है जो भी है तो हम यह चेयर क्लास है जो भी है तो हम यहाँ से स्लीपर में जाना चाहते हैं, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। और इसका देखिए ये सहायक सीटों की संख्या यानी हम एक ये पर्चे पे हम जो है मैक्सिमम 6 सीटें बना सकते हैं, 6 सीट के बुकिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमने 6 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए स्टेशन से, ठीक है, और जिस स्टेशन तक जाना है आप वहाँ भर उसको खाली से को देखने। फिर आप यहाँ से देखिए देखिए आरम्भ यात्रा करने की स्टेशन यानी हम दिल्ली से आरम्भ करेंगे और स्टेशन तक आरक्षण यानी हम कहाँ तक जाना है तो हर तक जाना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर का देखिए यहाँ पर बता रखा है कि SMS के जरिए PIN नंबर और घात स्थिति बताने के लिए, यानी आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपकी सीट नंबर ये है। मान लो आप RAC में आप चल रहे हैं, आपका टिकट आपने बनाया, अपना आपका टिकट RAC में हुआ तो आपको कंफर्म होगा तो आपके मोबाइल पर ये 24 घंटे पहले वो 4 घंटे पहले मैसेज आ जाता है कि आपका सीट कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब कंफर्म तो रहता है तो मैसेज तो आ जाता है, टिकट बनने के साथ ही आपको मैसेज आ जाएगा कुछ देर के बाद, ठीक है। फिर यहाँ भुगतान लिखा हुआ है तो भुगतान देखिए भुगतान के प्रकार आप कौन से मतलब कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ जैसे कि मेरे को तो कैश से करना है तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ, देखिए CASE कैश, ठीक है, कैश से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कैश हो गया, ठीक है। तो मैं ये आपको भरने के फॉर्मेलिटी भरने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए नीचे आइए, देखिए अब नीचे लिखे देखिए क्रमांक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 तेल के लिए, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ देखिए नाम स्पष्ट अक्षर में 15 अक्षर से अधिक ना हो, यानी आप अच्छे से लिखिए और 15 अक्षर से ऊपर ना हो, ठीक है। राष्ट्रीयता के आप कहाँ से हैं, इंडिया से हैं या विदेश से हैं, जो भी हैं। देखिए यहाँ पर लिंग लिखा पुरुष या स्त्री यदि अथवा विपरीत लिंग यानी आप स्त्री लिंग या पिछड़ी लिंग या कुछ भी है, ठीक है, वो लिख सकते हैं अपना। अब जेंडर लिख सकते हैं अपना कि क्या आपका जेंडर। फिर देखिए आई लिख सकते हैं अपना। फिर देखिए रियायती यात्रा पर अधिक संख्या, ठीक है। फिर देखिए विकल्प
निचली उत्तरी स्याही की, यानी आप अगर नीचा ऊपर जो सीट चाहते हैं तो आप यहाँ टिकट सकते हैं, ठीक है। यानी वो जो आपकी लोअर होती है या मिडिल होती है उस बर्थ के लिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, शाकाहारी मांसाहारी भोजन केवल राजधानी शताब्दी दुरंतो एक्सप्रेस के लिए को निशान करे, का निशान करे। तो देखिए यहाँ वेज लिखा हुआ है, और आपको वेज खाना है, जिस जिस आदमी को वेज खाना है तो वेज टिक कर सकता है, जिस आदमी को नॉन खाना है ना नॉन टिक कर सकता है। ये राजधानी दुरंतो और ये सब जो है उस शताब्दी के अंदर ये फैसिलिटी उपलब्ध है, ठीक है। तो आपकी ये जो आपकी सीट पे आपको खाना आ जाएगा, ठीक है, ट्रेन वाले आपके जो है आपको अवेलेबल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना नाम लिख दिया, ये मैंने जल्दीबाजी में वीडियो बनाया है, फटाफट लिखा है इसको। तो आप प्लीज़ अब ये ऐसा मतलब जब पर्चा भरेंगे तो ऐसा राइटिंग मत लिखिएगा, नहीं तो आपको तुरंत वहाँ आपका टिकट नहीं वो पर्चा वापस कर देंगे, आपको दोबारा भरने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो मैं तो आपको समझाने के लिए मैंने भरा जल्दीबाजी में। तो देखिए देखिए यहाँ पे देखिए अशोक कुमार लिखा हुआ है, देखिए ये पुरुष है तो उसको पुरुष लिख दिया, इसका एज 30 साल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अजय लिखा हुआ है तो ये भी पुरुष है, इसका जो एज है वो आपका कितना है, इसका आपका एज है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है इसका एज, अच्छा इसका एज 20 है, 20 है, चलो मान लो जो भी हो। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रवि, तो रवि का एज जो है आपका 28 है, ठीक है। फिर देखिए विनय लिखा, विनय भी पुरुष है तो इसका एज 45 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए विनोद है, विनोद का जो ये भी पुरुष है तो आपका जो है 34 लिखा हुआ है। देखिए बादल है, बादल का भी जो है पुरुष जो है ये पुरुष है तो इसका मतलब 20 लिखा। और मान लो यहाँ पे लेडीज़ का नाम लिखा होता तो हम यहाँ पे हम स्त्री लिंग कर देते हैं और आपका यहाँ पे एज भर देते हैं, ठीक है। और जैसे आप कुछ अगर मान लो मैं भर के बताया तो जैसे आपको अगर नहीं भरना था तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ देखो मैंने लिख दिया आपका अंजलि, अंजलि लिख दिया, ठीक है, अंजलि लिख दिया। तो देखिए फिर इसको हम लिखेंगे यहाँ पे स्त्री लिख देंगे, ऐसे स्त्री लिख देंगे, ठीक है, स्त्री लिख दिया। फिर इसका हम एज डाल देंगे, जैसे 27 है ऐसे डाल देंगे, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये अभी समझ गए होंगे कि कैसे भरना है इसको, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है कि अगर कोई इसमें सब जेंट्स का भी मैंने भरा था, कोई लेडीज़ का तो कैसे भरना है, ऐसे भरना होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चे तक अथवा 12 साल से कम उम्र के आयु के पर यदि जो भी है, तो ये काफ़ी लंबा चरण है, इसका मैं आपको छोड़ कर बताया था कि 5 साल से कम उम्र के अगर 5 साल तक के बच्चे हैं तब इसका जो इसका नाम जो है आप इसमें दर्ज करवा सकते हैं, जरूरी नहीं लेकिन आप दर्ज करवा सकते हैं 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नाम लिखा है स्पष्ट संख्या में, ठीक है, और राष्ट्रीयता और लिंग जो है स्त्री पुल्लिंग अथवा विकल्प और आयु देखें, और तो फिर ये होता है इसको भर सकते हैं, ठीक है। और उसके देखिए यहाँ पे हैं वापसी की, देखिए आगे की वापसी यात्रा की विवरण, यानी हम वहाँ से वापसी करना चाहते हैं जहाँ हम गए हैं तो वहाँ का पर्ची हम कैसे भरेंगे, देखिए तो इसी में भरा जाता है कि पर्ची में दूसरे पर्ची भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए गाड़ी संख्या और नाम, तो देखिए गाड़ी संख्या हमने लिखा है 0 40 42 मसूरी एक्सप्रेस, ठीक है। यात्रा देखिए यात्रा की तारीख जो है हम वहाँ से वापसी चलेंगे तो 10/12/2022 की है, ठीक है जी। फिर देखिए यहाँ पर श्रेणी लिखा हुआ था, श्रेणी हमने स्लीपर लिख दिया, स्टेशन से तो हरिद्वार से स्टेशन तक यानी दिल्ली तक थे, ठीक है। फिर देखिए पूरा आवेदन का नाम जो ये मतलब जो पर्चा भर रहा है तो उसका नाम, तो हम अपना नाम मैंने अपना नाम लिख दिया अशोक कुमार, देखिए हमारा पूरा पता, पूरा पता हमने अपना लिख लिया, हमारा पूरा पता लिख दिया हम कहाँ से दिल्ली से हैं, तो हमने ये पिन कोड भी भर दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे हमने लिख दिया आधार नंबर, अपना आधार नंबर यहाँ पर लिख दीजिए अपना। फिर देखिए तारीख, जिस ये तारीख वो तारीख है जिस दिन हम ये फॉर्म जमा करेंगे टिकट लेने के लिए, तो उस दिन की तारीख हमने लिख दी, ठीक है। और उस टाइम का हम टाइम भी लिख देंगे, कितने बजे का टाइम, कितने बजे हमने लिखा था, मैंने और यहाँ पर साइन करना था अपना, तो मैंने ये अपना साइन कर दिया, ठीक है। तो और मैं इसे बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आपने जाने जाने की टिकट करनी है, वापसी की टिकट नहीं करवानी है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो है ये जो गाड़ी नंबर और संख्या ये नहीं भर सकते हैं, और आप स्लीपर ना भरें और कहाँ से कहाँ आपको जर्नी करनी वो ना भरें और ये इसमें आने की तारीख ना भरें, खाली अब ये जो आवेदन का नाम जो यहाँ से लेके अभी आपको पूरा भरना पड़ेगा, अगर आपको खाने यहाँ से जाने जाने की टिकट करनी है तो, ठीक है, एक साइड की टिकट करनी है तो, ठीक है। और एक आपको बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो 5 साल से कम उम्र के बच्चे उसका टिकट नहीं लगेगा, 5 साल से ऊपर से 5 साल से 12 तक के बच्चे हैं तो आपको जो उसका आपका हाफ टिकट लगेगा, ठीक है, हाफ टिकट लगेगा, तो उसमें आपको जो है अगर उसका आपको हाफ पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको सीट चाहिए तो उसका पूरा टिकट लेना पड़ेगा, और आपको सीट नहीं चाहिए आप सोचते कि इसका टिकट हो जाए तब उसको हाफ टिकट लेनी पड़ेगी, ठीक है। और 12 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं उनका तो टिकट लगता ही लगता है, फुल टिकट, ठीक है। तो यही था आज का हमारा वीडियो, तो ये वीडियो मैंने जल्दीबाजी में बनाई आपके लिए, तो इसके लिए आप तो अगर आपको ये वीडियो से मेरी समझ नहीं आई हो जैसे मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
तो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो आप सोचते होंगे कि मेरे चैनल तो अशोक मैकेनिकल बॉक्स है, तो मैं ये कौन सी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाते रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ ना कि मेरे अंदर जो मेरे को जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो ऐसा मैं सोचिएगा कि मेरे चैनल मैकेनिकल बॉक्स है, तो मैं ये इस टॉपिक के ऊपर, तो मेरे पास जो भी नॉलेज होगी मैं आपको देता रहूँगा। तो बस हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो ऐसे ही मेरे चैनल बने रहिए और वीडियो ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।